वेलकम इन एग्ज़ाम स्विफ। अगर आप अब तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप हमारे आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। आज हम लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके पास। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं हमारे LCM HCF के ऊपर, है ना। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या नई नई ट्रिक्स हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके लिए ये है, व्हाट लीस्ट नंबर वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 427398 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है। वह कौन सी संख्या मैं इस नंबर से घटाऊं जिससे ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, ये संख्या 15 से विभाजित हो जाए। देखो इसका अगर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अब कोई संख्या घटानी है और ये 15 से विभाजित होना है, तो मेरे पास 427398 इसके अंदर क्या दे दूंगा, भाग देके देख लोगे आप किससे, 15 से भाग देके देखोगे, जो भी आपका शेषफल आ जाए, जो भी शेषफल आ जाए वो आप इस संख्या से घटा दोगे तो वो संख्या आपसे विभाजित हो जाएगी। तो 15 से भाग देके देखोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है, 12, फिर बाद में ये 7 नीचे आ गया, है ना। 15 कितने जा, 15 8 120, क्या बच गया 7, फिर क्या आ गया 3 आ गया, है ना। तो 15 चौक 60, क्या बच गया 13, 13 से ये क्या आ गया 9, फिर किससे गया 15 9 से कितना 135, क्या आ गया 4 आ गया, और फिर ये 8 आपका नीचे आ गया 48, 15 तिया 15 तेरी 45, क्या बच गया 3। इसका मतलब ये 3 जो रिमाइंडर आ गया, ये 3 अगर उस संख्या से घटा दो आप, 3 अगर उस संख्या से घटा दोगे तो आपके जवाब क्या आ जाएगा, जो संख्या बचेगी वो इससे भाज्य होगी 15 से। जैसे जो संख्या है आपके पास 427398, में से माइनस क्या कर दो 3, ठीक है, तो आपके पास जवाब बचा 427395, ठीक है। ये संख्या इस संख्या से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो हमारे पास ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, एक ये मेथड था, हमको इस मेथड से सॉल्व करना था इस सवाल को। अब दूसरा मेथड क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है, हाँ इसका और तरीका हो सकता है, सेकंड मेथड, जो बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह के सवालों को। अगर आपको ये दे रखा है 427398 किससे विभाजित करना है 15 का, 15 से अगर विभाजित करना है तो 15 का विभाजन का नियम पता होना चाहिए, 15 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है उसका नियम पता होना चाहिए। 15 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 5 और 3 से विभाजित होगी, 5 और 3 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या होती है जिसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, या फिर तो 0 हो या फिर 5 हो। यूनिट डिजिट क्या हो, या फिर 0 हो या फिर 5 हो, वो सारी संख्याएं इससे 5 से विभाजित होती है। और 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, 3 से विभाजित होने का नियम यह होता है सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। 3 का नियम यह होता है अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो अब मुझे जब ये संख्या 15 से विभाजित है तो मुझे ये पता है ये जो आखिरी का अंक है ना, यहाँ पे या फिर तो आपका 0 होगा या फिर आपके पास 5 होगा, ठीक है, या फिर 0 होगा या 5 होगा। अगर ये चीज़ दिमाग में समझ में है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ अंकों का योग करूँगा, 4 और 2 6, 6 और 7 13,
13 और 3 16, 16 और 9 25, क्या आ गया 25। 25 के अंदर अब मेरे पास अगर मैं 0 रखता हूँ या 5 रखता हूँ, 25 में अगर मैंने 0 रखा या आखिरी में तो मेरे पास 25 ही होता है और 25 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अगर 5 रखता हूँ, 25 प्लस 5 कितना होता है 30, और 30 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब क्लियर है आखिरी का अंक मेरा 5 होगा। तो नंबर होगा मेरे पास 427395। कितना लीस्ट नंबर घटाया आपने, सिर्फ 3 घटाया। ये समझ कौन सी है, ये समझ आपकी डिविजिबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी की समझ है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से 5 और 3 और ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे रेगुलर कोर्स में और बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा तो ये है, आपके पास दो चीज़ें दे रखी है, 1/2 और 3/2, 1/2 एंड 3/2। इसका मुझे एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। जब मैं एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा इसका, ये क्या है, दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, अंशों का लसप हरों का, अंशों का मसप और हरों का लसप। अगर इसी का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब HCF ऑफ न्यूमरेटर की बात करोगे तो 1 और 3, 1 और 3 का HCF क्या होगा 1, और 2 और 2 का LCM क्या होगा 2। इसका मतलब इस सवाल का HCF क्या आ गया आपके पास, 1/2 आ गया। LCM की बात करोगे, LCM 1 और 3, 1 और 3 का LCM क्या होगा 3। HCF की बात करोगे, 2 और 2 का HCF क्या होगा 2। तो आप जवाब क्या आ गया इसका, एलसीएम आ गया 3/2, एचसीएफ आ गया 1/2। बेसिक सी चीज, इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला, एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और हरों का लसप, और यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, K की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है ना, सो दैट 36 के 36 इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6। देखो 36 के 36, ठीक है, और किससे ये डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय हो जाए 6 से। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है, विभाजन का नियम होता है आपका, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है, इसका मतलब ये होता है ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, ये संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। 2 से तो ये विभाजित हो रही है, क्यों, 2 से वो सारी संख्या विभाजित होती है, ऑल इवन नंबर्स, ये हम जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो और बताऊंगा इसमें आपको, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और जब 3 की बात करता हूँ, 3 का मैंने यहाँ पे लिख किया है, इन अंकों का योग, इन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये सारी की सारी ये अंक संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। योग कर लो, 3 + 6 = 9, 9 और ये भी 9, 9 + 9 कितना हो गया 18, 9 + 9 = 18 हो गया है। K की जगह छोटी से छोटी संख्या रखनी है तो K की जगह मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। K की जगह छोटी छोटी संख्या रखनी है तो K की जगह 0 रख दो। तो नंबर क्या बन गया आपके पास, 36036। ये नंबर 3 से विभाजित होता है, ये नंबर 3 से विभाजित होता है तो K की जगह 0। अगर ये सवाल ये पूछता आपसे K की जगह कितनी पॉसिबल वैल्यूज अगर पूछ लेता तो पॉसिबल वैल्यूज हम लोग लिख सकते थे 0 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 9।
पॉसिबल वैल्यूज आपके पास चार होती। बट इसने पूछा है कौन सी छोटी छोटी वैल्यू रखो k की जगह, तो k की जगह आपके पास जीरो रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है, आप लोग हमारा पेड कोर्सेस ले सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके www.examswave.com। धन्यवाद।